ये तस्वीरें देखकर पहली नजर में आपको यह किसी प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम जैसा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये नजारा किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का है। सीएम राइज योजना के तहत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा सीएम राइज योजना शुरू की गई है। इस कड़ी में ग्वालियर के हजीरा सीएम राइज स्कूल की कहानी यहां के शिक्षकों और स्टूडेंट की जुबानी सुनते हैं। मैम आपका नाम? डॉक्टर सरिता तोमर, वाइस प्रिंसिपल। मैम स्कूल में पहले और अब में क्या अंतर है सीएम राइज होने के बाद? स्कूल में काफ़ी अंतर है, काफ़ी बदलाव है। पहले सीएम राइज स्कूल नहीं था, उस समय यहाँ पर छात्र संख्या भी बहुत कम थी, नामांकन बहुत कम थे, बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने से कतराते थे, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। लेकिन जब से सीएम राइज बना है तो यहाँ पर छात्र संख्या दुगनी से ज़्यादा हो गई है, और यहाँ के लिए एडमिशन के लिए हमें सिफारिशें आती हैं, जो कि किसी सरकारी स्कूल के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मैम क्या सुविधाएं मिली हैं सीएम राइज में? सुविधाएं सारी सुविधाएं हैं इसमें बच्चों के लिए। एकेडमिक पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, इसके साथ नेको जो पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे संगीत की शिक्षा है, नृत्य की शिक्षा है, कंप्यूटर की शिक्षा है, और अपना खेल कूद की सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो सभी बच्चों को सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। स्मार्ट क्लासरूम है यहाँ, सीसीटीवी कैमरे पूरे स्कूल में लगे हुए हैं, अपना सेफ्टी के लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे इंतजाम हैं, 24 घंटे यहाँ पर गार्ड रहते हैं। मैम अब क्या एप्लीकेशन करने जा रहा है स्कूल? स्कूल हमारी नई बिल्डिंग बन रही है, और जो कि 51 करोड़ की लागत से बन रही है, और उसमें बहुत सारे रूम होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, उसमें एक कैंटीन भी है बच्चों के लिए, और अपने डांस की क्लास, संगीत की क्लास, गायन की, वादन की, कंप्यूटर की, स्मार्ट लैब होंगे, और सभी प्रयोगशालाएं होंगी, और बेहतरीन लाइब्रेरी होगी। बहुत अच्छा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि ऐसे बच्चे जो कि एक उच्च शिक्षा से वंचित थे, एक उत्कृष्ट शिक्षा से वंचित थे, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे यहाँ पर आके एक बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी का। बच्चे आ रहे हैं? हाँ, प्राइवेट स्कूलों से भी आ रहे हैं, बहुत बच्चे आए हैं हमारे यहाँ इस बार तो, प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर, और काफ़ी संख्या। इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने इसी साल शुरू किया है, इंग्लिश मीडियम में भी काफ़ी बच्चे आए हैं हमें, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है बिल्डिंग की उसी के हिसाब से हमें एडमिशन करने पड़े, उसकी लगभग 4000 छात्रों की कैपेसिटी होगी, 4000 छात्र वहाँ पढ़ सकते हैं। माय नेम इज़ खुशी अग्रवाल। तो यहाँ पे जो है कैसा है माहौल, किस तरह का क्या स्कूल है ये? सर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे पढ़ाई वगैरह, टीचर्स का बिहेवियर, डिसिप्लिन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और सीएम राइज है, पहले मैं प्राइवेट में पढ़ती थी बट अब सीएम राइज में एडमिशन लिया है, बट इस स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ भी है, तो मुझे ये चीज़ इसमें बहुत अच्छा लगता है। स्मार्ट क्लासरूम भी है, लैब भी है, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, गेम्स रूम, म्यूजिक रूम, कंप्यूटर रूम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कीर्ति आर्य। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, अप्रैल से ही पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ। कैसा लगता है यहाँ से? पहले कहाँ पढ़ते थे आप? प्राइवेट स्कूल में। ये कौन सा स्कूल है? ये सीएम राइज। तो यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, स्मार्ट क्लासेस है, टीचर्स का बिहेवियर अच्छा है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं, पढ़ाई के साथ अलग अलग अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पे कंप्यूटर लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। मेरा नाम उर्वशी शाक्य है, मैं कक्षा 9th A की छात्रा हूँ। कहाँ पढ़ती थी पहले? मैं फर्स्ट से इसी स्कूल में पढ़ती थी। कैसा स्कूल है, कितना बदल गया सीएम राइज होने के बाद में? ये बहुत ज़्यादा बदल गया है, पहले यहाँ धूल मिट्टी होया करती थी, अब हर क्लासरूम में टाइल्स लग गई हैं, और पहले यहाँ पे पानी नहीं था,
पर अब वाटर कूलर वो फिल्टर होके पानी आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी यादव है, मैं कक्षा 9th A की छात्र हूँ। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ से शुरू से फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। यहाँ पर बहुत सी बाथरूम है, शौचालय सब कुछ बन चुका है और यहाँ नई बिल्डिंग बनी है जिसमें कंप्यूटर लैब है, साइंस की लैब है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की हुई होती है। किस तरह से पढ़ाया जाता है यहाँ पे? यहाँ हमें टीवी के ज़रिए और टीवी पे बच्चों को बुलाया जाता है, उस पर चित्र या साइंस के मॉडल वगैरह सब कुछ बनवाया जाता है।